बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर हम विजुअल स्टूडियो 2015 एंड एसक्यूएल सर्वर 2012 यूज़ करेंगे। और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि किन किन मॉड्यूल्स पे वर्क करेगा वो मैं आपको पहले से ही आगाह कर देता हूँ। देन उसके बाद हम उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके उसको मॉडिफाई भी करते रहेंगे, अपग्रेड भी करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी फिलहाल जो हम स्टार्टअप ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ मायने रखती है वो उसका डेटाबेस रखता है, या फिर उसकी ईआरडी रखती है मायने कि किस मॉड्यूल पे या किस तरह से उसका पूरा फ्लो होगा काम करने वाला। अगर हम डायरेक्टली काम शुरू कर दें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तो वो एक प्रॉपर वे में काम नहीं करता कि हम वह काम करते करते अचानक से टर्न कर दें या कुछ और काम शुरू कर लें या कुछ ऐड कर दें। तो अगर एक बेसिक पहले से ही उसकी बुनियाद रख के चलेंगे तभी वो प्रोजेक्ट अच्छा भी बनेगा। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करेंगे और हर एक प्रॉपर वे में उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं उसका डेटाबेस डिजाइन करना कि किस तरह से उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से टेबल्स होंगे। मैं अलग से एसक्यूएल सर्वर की एक अलग से मैंने पेरेसी बनाई हुई है, वहां पर भी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, मतलब उन चीज़ों को मैं ऐड करता रहूंगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाजमी सी बात है अगर उसी पे लग गया तो फिर प्रोजेक्ट पीछे हो जाएगा। तो अगर किसी को डेटाबेस के बारे में या एसक्यूएल सर्वर के बारे में नो हाउ ज़्यादा नहीं है तो वो वहाँ से भी गेट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद देन हम क्या करेंगे उसके अंदर कुछ टेबल्स को ऐड करवाएंगे और साथ साथ मैं कुछ चीज़ों के बारे में और भी जो है वो इंट्रोडक्शन और उनका कॉन्सेप्ट मैं डिलीवर करता चलूंगा। ठीक है, ये बता चुका था पहले हम यहाँ पे आके मेरे पास क्योंकि एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड नहीं है, मेरा विंडोज ऑथेंटिकेशन है, तो मैं डायरेक्टली उसी को क्लिक कर लूंगा, कनेक्ट करूंगा, मुझे ये आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। देन उसके बाद आते हैं न्यू क्वेरी। डिजाइन व्यू पे काम नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली क्वेरी पे काम करेंगे। क्वेरी पे काम करेंगे तो उससे डिमांड और ज़्यादा बेहतर काम रहता है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल ई। देन उसके बाद आपने क्या किया, नीचे आए यूज स्कूल, इसे वो कॉपी कर लेते हैं, देन यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, कंट्रोल ए कंट्रोल ई। देन अब देखें यहां पर हम आ गए। इसके बाद सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक टेबल क्रिएट। अच्छा, हम क्या करेंगे कि इसकी क्वेरी जो है वो अलग अलग हम नोटपैड की फाइल पे सेव करते रहेंगे ताकि अल्लाह ना करे अगर हमारा कोई ना कोई कभी कोई डाटाबेस का प्रॉब्लम आता है या कोई टेबल डिलीट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम, तो कम से कम बैकअप रहे। अलग से हम बैकअप तो बनाएंगे लेकिन हम नोटपैड के उस पर उसकी क्वेरीज को भी हम बैकअप में रखेंगे। क्रिएट टेबल, सबसे पहले हम रख देते हैं एडमिन। अच्छा, एडमिन का टेबल क्योंकि एडमिन खुद एक कीवर्ड है तो हम एडमिन को नहीं रख सकते, तो हम एक काम करते हैं इसको डबल एंड कर देते हैं। देन उसके बाद आते हैं, मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करता हूँ और इसके ब्रैकेट्स बना देता हूँ। देन अच्छा, आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी आईडी जनरेट करते हैं। तो एडी आईडी, एडमिन आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर वो बिल्कुल यूनिक रहेगा, इसके बारे में मैं अलग से वहाँ तफसील से बता दूंगा। ठीक है, अलग से एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्राइमरी की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो खुद से जनरेट होता रहे। क्लियर है वाली बात कि ये जो भी हम आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ऐसा नहीं होगा कि बार बार एडमिन को ये इसकी जो आईडी होगी वो बार बार हमें खुद से लिखना पड़े। ठीक है, तो आइडेंटिटी और इसको हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। देन हम नीचे आए, उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं एडमिन नेम। एडमिन नेम हमने कर दिया वारचार, ये डेटा टाइप है इसकी, और इसकी हमने यहाँ पे लिमिट दे दी। सपोज कर ले मैं इसका नाम दे देता हूँ 20 लिमिट दे कर दे रहा, और इसको मैं यूनिक कर देता हूँ ताकि एडमिन का नेम जो है वो यूनिक रहे। और इसके अलावा पासवर्ड को यूनिक नहीं करना है क्योंकि पासवर्ड किसी का भी सेम हो सकता है, तो हमें नहीं पता। हाँ, नाम हम कर देंगे कि एडमिन का जो एक पर्टिकुलर नेम है वो बिल्कुल यूनिक रहे। देन एडमिन एडी पासवर्ड, और इसकी हम डेटा टाइप रख देते हैं वारचार, और इसको हम कर देते हैं भी, इसको भी 20 कर देते हैं। ठीक है भाई, नीचे आते हैं।
इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक का और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। साथ साथ हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट कर लेंगे। प्रोसीजर के बारे में भी डिटेल अलग से मैं बता दूंगा उस प्रोजेक्ट के, जब हम प्लेलिस्ट से वहाँ पर और क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इतनी डीप में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे और काफ़ी सारा काम करना है इसके अंदर। पर इसलिए बता देता हूँ कि हम जो है वो डायरेक्टली भी बना सकते हैं प्रोसीजर, और हम अलग से भी इसको बाद में ही बना सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली पहले बना दें और इसको मल्टीपल डाटा को एक वक्त में इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन पर्पज होगा और जिस तरह से वो काम करेगा, यहाँ तो बता रहा हूँ लेकिन मैं अलग से भी इसको क्लियरली डिफाइन कर दूंगा, देन उसको प्रैक्टिकली बता दूंगा। क्रिएट प्रोक, ठीक है, देन इसका नाम रख दीजिए आप, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट इनटू एडमिन, ठीक है भाई। प्रोसीजर बनाना बहुत आसान है, आप नीचे आइए, इसका सेंटेक्स एक बार याद रख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेम टेबल वाला ही होगा। यहाँ पे आके एडमिन नेम और एडमिन पासवर्ड, आईडी को नहीं, आईडी खुद से जनरेट होगी, हमें सेव कराने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज़ें हम जो है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे ला के पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट कौन से यूनिक है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। मैंने यूनिक को हटाया, यहाँ से मेरे पास पहले से कुछ नहीं है, इस जगह पे आके हम क्या करेंगे, एट द रेट लगा देंगे, एट द रेट लगा देंगे और एट द रेट लगा देंगे, ठीक है भाई, एरर चला गया। देन इसका थोड़ा सा गैप कम कर देता हूँ मैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एज देन बिगिन और लास्ट में आ जाएगा एंड, याद रखिएगा ये सिंटेक्स प्रॉपर वे में चलता रहेगा। उसके बाद आप आइए बिगिन के अंदर, एस को ऐसे छोड़ दीजिए, बिगिन के अंदर आइए, यहाँ पर आप कमांड लिखिए इंसर्ट इनटू जो आपका टेबल है, एडमिन टेबल था आपका, यहाँ ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाया और इस वाले को कॉपी कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन नेम कॉमा एडमिन पासवर्ड, ठीक है भाई। देन आपने क्या करना है, इसके बाद आप लिखिए वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस, सिंपल यहाँ ब्रैकेट बनाइए, और ब्रैकेट बनाने के बाद जो है वो इसी को ही कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद क्या करना है, जरा गौर कीजिएगा, कॉपी किया इसको और लाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन दोनों के साथ आप क्या कर देंगे, एट द रेट और एट द रेट यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है, ये आपका स्टोर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज इंसर्ट करवानी होंगी हमने, ठीक है जनाब, इंसर्ट करके देखते हैं अब यहाँ पर। तो इंसर्ट यहाँ पे हम करते हैं, एग्जीक्यूट का कीवर्ड यूज होता है, एग्जीक्यूट और किसको करना है, तो उसका कीवर्ड आप यहाँ से कॉपी, वो सॉरी प्रोसीजर का नाम कॉपी कर लें, नीचे आइए यहाँ लाके पेस्ट। देन आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप क्योंकि हमने आईडी तो ऑटो जनरेट रखी है, तो बस कॉमा लगा के इनवर्ट कॉमा लगाइए और यहाँ पे नाम दे दें। तो सपोज कर लें मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पर अब्दुल बासित, और पासवर्ड दे दिया हमने यहाँ पर 62123, ठीक है। देन अरे सॉरी, मैंने जो है वो एग्जीक्यूट की जगह पे एंड पे लिख दिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी और यहाँ पे स्केप स्पेस बार दे दिया, ठीक है, और यहाँ से कॉमा हटा देंगे। देन बस इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल ई, अच्छा कुड नॉट फाइंड, अच्छा मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था मेरे ख्याल से, हाँ सही, मैंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, तो पहले जाकर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कंट्रोल ई, एग्जीक्यूट हो गया। देन हम नीचे गए और कंट्रोल ई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सेलेक्ट की क्वेरी लगाकर, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम क्या था, एडमिन, कंट्रोल ई, ठीक है भाई। तो रिकॉर्ड इंसर्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है जनाब। एक काम करते हैं, एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं और एक और एडमिन बना देते हैं, मतलब एक से एक के अलावा हमारे पास यहाँ पे इस जो एप्लीकेशन के अंदर दो एडमिन हो गए, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक और हम यहाँ पर इंसर्ट करवा देते हैं। तो बस क्या करेंगे, सिंपल से इसको कॉपी करें पेस्ट, और यहाँ पे इसको नाम चेंज कर दें, यहाँ पे कर दें अब्दुल्ला, और इसका नाम रख दें यहाँ अब्दुल्ला 123, ठीक है भाई, कंट्रोल ई, एग्जीक्यूट हो गया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन, ठीक है भाई, दो रिकॉर्ड जो है वो आपके पास यहाँ मौजूद है। अच्छा अब देखें, हमारे पास एक एडमिन हो गया, इसके बाद हमारे पास एक और क्या होगा, जिसका ताल्लुक किससे होगा, स्टूडेंट से होगा, ठीक है, क्योंकि मेन जो है हमारे पास, उसके बाद हम किससे ताल्लुक करवाते हैं, इसका स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो क्रिएट फ्रॉम
टेबल स्टूडेंट, ठीक है भाई, यहाँ दे रहते हैं एसटीडी आईडी, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, ये भी हम प्राइमरी की करेंगे, इसको आइडेंटिटी कर देंगे ताकि ये खुद से जनरेट हो जाए, ठीक है भाई। ठीक है, इसके बाद करते हैं स्टूडेंट नेम, तो एसटीडी नेम वार चार, और इसकी लेंथ हम रख देते हैं 20, और इसको कर देते हैं नॉट नल, ये खाली नहीं छोड़ा जाए इसको। देन एसटीडी हम कर देते हैं फादर नेम, क्योंकि अक्सर स्कूल में ऐसा होता है, इसका क्या हर जगह पर ऐसे ही होता है, ठीक है। देन वाचार, और इसको भी हम कर देते हैं 20। देन उसके बाद हम कर देते हैं ईमेल दे देते हैं, या ईमेल रहने देते हैं, फिर का एड्रेस दे देते हैं, इसको 50 कर देना है, ठीक है। देन जेंडर कर देते हैं, और इसकी लेंथ जो है वह हम 6 रख देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा होता नहीं है, और इसको भी हम कर देते हैं नॉट नल, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि एडमिशन डेट, क्योंकि वो भी ज़रूरत पड़ती है कि कब एडमिशन हुआ था, ठीक है। इसको हम दे देते हैं, इसकी भी टाइप हम बार चार ही रख देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 10 नॉट नल। देन और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो है वो इस वाले का रिलेशन बनाते हैं दूसरे वाले टेबल से, मतलब अब फॉरेन की का वक्त आ गया है, तो हम क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा कि फॉरेन की किस तरह से बनती है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और काइंडली इसको जो है वो डिज़ाइन व्यू से नहीं बनाइएगा, क्वेरी से ही बनाइएगा, तभी फ़ायदा है आपका। डिज़ाइन से आसान होता है, लेकिन वो वर्थ नहीं होती जो कि आप क्वेरी से करेंगे तो फ़ायदा होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, एस डी आई डी फॉरेन की आई डी, मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा नाम दिया, ठीक है। इंटीजर साथ में हम दे देंगे फॉरेन की, और साथ में कीवर्ड यूज होगा रेफरेंसेस का, कि कौन से वाले टेबल से आपने रेफरेंस लेना है। तो मैंने कौन सा लेना है, मैंने लेना है टेबल से, तो मैंने कॉपी किया इसको, और क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एडमिन की आईडी, तो मैंने रखी थी एडी आईडी, ठीक है भाई, बात ले रहे वाली। सबसे पहले जिस टेबल से बनाना है उसकी आईडी, फिर फॉरेन की इंटीजर टेराटाइप आ गई, देन फॉरेन की रेफरेंसेस, किस टेबल से रेफरेंस बनाना है, और फिर कौन सी की से बनाना है, क्योंकि हमने वही प्राइमरी की वहां पर दी थी, तो वो प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी फॉरेन की, क्लियर है वाली बात, ठीक है भाई। तो अब क्या करते हैं, नीचे आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल ई, एग्जीक्यूट हो गया भाई। अब क्या करेंगे, इसका स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, तो उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, जो काम पहले किया था एज इट इज सेम काम दोबारा किया है, बस यहाँ पे क्या है, हमने फॉरेन की को ऐड किया है, ठीक है। मैं ज़रा इसका पहले प्रोसीजर बना लूँ, फिर आपको इसका रिलेशन दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बना है अभी तक। तो कैसे करेंगे क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पर आइए, क्रिएट क्या लिख दिया मैंने अभी, प्रोक, देन इसका नाम रख देते हैं हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी नाम रख लीजिएगा अपने हिसाब से, और ऐसा रहे कि वो मिलता जुलता हो उससे। अब क्या करते हैं, दोबारा से वही काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सबके कंस्ट्रेंट हटा दिए जाएंगे, याद होगा लास्ट टाइम बताई थी ये बात, या अभी करते वक्त, तो बस कंस्ट्रेंट हटा दें इसके, फॉरेन की तक का हटा दिया जाएगा। देन यहाँ से क्या करेंगे, नॉट नल हटा दिया जाएगा, सब जगह से नॉट नल हटा दें, ये भी हटा दिया यहाँ से, ये भी, देन यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ गलती कर दी, कोई बताया क्या गलती करी है, आईडी नहीं लेनी थी और वो आईडी ले ली है, तो आईडी तो यूज ही नहीं करते हैं, याद आई वाली बात। देन क्या करेंगे, सब जगह पे एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट, देन लास्ट में एट द रेट, बात ले रहे वाली। ये आपका यहां तक का काम क्लियर हो गया, देन आप आ जाइए यहाँ पर एज बिगिन एंड एंड, बिगिन में क्या काम करते हैं, यहाँ पर आके क्या करेंगे, वो वाली क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, इंसर्ट की क्वेरी को यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू किस में करना था, अब जो ऊपर आपने टेबल
का जो क्रिएट किया है। ठीक है भाई, तो टेबल का नाम क्या था? टेबल का नाम स्टूडेंट है। कॉपी किया, नीचे आए और यहाँ लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया, देन अब यहाँ वैल्यूज प्लेस कीजिए। तो वैल्यूज किस तरह से प्लेस करनी थी, आप इसको ही कॉपी कर लें यहाँ से ताकि टाइम बचे। अभी थोड़ा डिस्टर्ब आएगा ये कि इसके, लेकिन हम सेट कर लेंगे इसको अभी। सबके कंस्ट्रेंट हटा दें, सबकी जो वैल्यूज हैं मतलब जो रेंज थी वो हटा दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ से इसको भी हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, और लास्ट में रहा ये वाला, तो इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। देन एट द रेट हटा दीजिए यहाँ से, सब जगह से एट द रेट को हटा दिया जाए क्योंकि इंसर्ट करते वक्त हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ मिसिंग है, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट लास्ट में लगा देते हैं, और जितनी भी चीज़ें यहाँ से हैं उसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ये बड़ा अजीब सा हो रहा है इस टाइम पे। थोड़ा सा इसको एक मैनर में ले आते हैं, एक ऑर्डर में ले आते हैं ताकि सही लगे, वो एरर चले जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, और इसका ये वाले ब्रैकेट को भी हम ऊपर ले आते हैं। तो अब बेहतर एक फॉर्म में आ गया आपका। एक और बनेगा वैल्यूज का, और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज प्लेस कर देंगे। मैंने कहा था ये एरर चले जाएंगे सारे, तो भाई इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। एरर से कभी भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि स्टार्ट में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन होने लगती है कि ये एरर आ क्यों रहे हैं, तो वो जब आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह भी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ आके बस एट द रेट प्लेस कर दीजिए, तो ये सारे एरर आपके चले जाएंगे। यहाँ लाके प्लेस कीजिए, देन जेंडर पे, देन एडमिशन डेट, और लास्ट में ये वाला। ठीक है भाई, तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब तक जितना काम किया। अब क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करके चेक करते हैं। उससे पहले पहले हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। एग्जीक्यूट करवाते हैं यहाँ से कंट्रोल ई। ठीक है भाई, तो कोई एरर नहीं था, बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अब इंसर्ट करने से पहले पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी तक जो हमने काम किया है इसका रिलेशन कैसा बना है। ठीक है, तो वो हम आते हैं यहाँ पर डेटाबेस पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वो डेटाबेस पहले से मौजूद होगा, ये रहा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आके इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए डेटाबेस डायग्राम आ रहा है। अरे यहाँ पे क्लिक किया, यस किया, देन आप आए राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस डायग्राम। दो टेबल्स बनाए खाली, देखें देखें दोनों का रिलेशन आपस में बन गया है। कि क्या रिलेशन है कि जो एडमिन की प्राइमरी की है ये किससे लिंक्ड है, यहाँ पर इसके इस टेबल से, और एज अ फॉरेन की ये दोनों में, ये देखें आपके पास यहाँ पर वो टेबल की आ भी रही है, और ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, ये रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात ले रहे हैं इसके अंदर की ये किस तरह से काम कर रहा है, तो ये एक रिलेशन इसका बन गया। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी क्वेरी पे, और यहाँ पर आकर आप क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू को आप प्लेस करते हैं। तो एग्जीक्यूट लिखा, और यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करेंगे, मतलब हमें यहाँ पर क्या इंसर्ट करवाना है। ठीक है भाई, तो इंसर्ट अब किस में करना था, हमने हमारे पास जो ऊपर इसका प्रोसीजर का नाम, तो नाम उसका देख लेते हैं ऊपर से ही, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ गलती का कोई चांस ना हो। यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, नीचे आए और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वैल्यू क्या है वो पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है नेम, तो नेम हम सपोज कर रख देते हैं अली कॉमा इसके, सॉरी इनवर्ट कॉमास, देन नाम देंगे वो खुद दे रहा है आपको। फादर नेम आपने क्या रखना है यहाँ पे, सब सपोज कर लें खान रख दिया आपने, देन आपने कॉमा लगाया, इसके बाद आपने एड्रेस दे दिया, तो मैं दे देता हूँ आप दे दें BM 41। ठीक है भाई, एक हमने एड्रेस दे दिया, जेंडर हमने यहाँ पे दे दिया अभी मेल कॉमा,
अभी फिलहाल हम डेट डायरेक्टली यहाँ से गेट कर रहे हैं, बाद में मैं सिस्टम, अभी मैं खुद लिख रहा हूँ, बाद में मैं सिस्टम से गेट करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसको डेट 22/4/2019 कॉमा, और यहाँ पर दे दिया हमने 1 के, ये पहले वाले जो एडमिन है ये उससे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कंट्रोल ही, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स ये कि इसको पहले वाले एडमिन ने इसको ऐड किया है। अच्छा भाई, काम करते हैं, एक और एग्जीक्यूट करवा लेते हैं ताकि दो एडमिन्स का हमारे पास हो जाए। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। एग्जीक्यूट टेबल का नेम जो है वो हम यहाँ से रख देते हैं, ये मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर आके पैरा नेम दे दिया, तो नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर हमजा, देन कॉमा, कॉमा के बाद फादर नेम आ गया अहमद, कॉमा, देन आपने एड्रेस दे दिया एबीसी नॉर्थ कराची, कॉमा, इसके बाद आपने दे दिया जेंडर मेल कर दिया, देन कॉमा, एडमिशन डेट आपने दे दी 23/04/2019 एग्जाम्पल, ठीक है भाई। क्या हो गया, ठीक है भाई। देन कॉमा, इसके बाद आपने क्या प्लेस करना है, सारी चीजें हो गई। लास्ट में आपके पास रह गया क्या, एडमिन का नेम, कि वो कौन सा एडमिन है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एक और हो गया। इसको चेक करने के लिए हम करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है भाई। दो इंसर्ट हो गए हमारे पास रिकॉर्ड, एक और मैं कर लेता हूँ ताकि जब मैं अभी ज्वाइन लगा के दिखाऊँ तो वाजे फर्क नजर आए। इसको मैं कर देता हूँ 1 से, इसका नाम मैं कर देता हूँ काशान, इसको कर देते हैं नॉर्थ नाजमाबाद, या गुलशन कर देते हैं इसको, समय ठीक है भाई। डन, इसको भी एग्जीक्यूट करवाते हैं कंट्रोल ई, और इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो दो तीनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को एक साथ रन करता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको चेंज कर दिया, एड्स को एडमिट कर दिया, दोनों को एक साथ रन करते हैं कंट्रोल ई, दोनों का रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमें ज्वाइन अप्लाई करना है ताकि इन दोनों का वो डाटा जो हमें मर्ज करके एक साथ शो करवाना है, जो कि हमने फॉरेन की यूज करी थी, इसी वजह से यूज करी थी, ठीक है। तो उसको किस तरह से करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आके यहाँ पर उस टेबल का नाम लिखते हैं हम, तो हम यहाँ पे दे देते हैं सिलेक्ट ऑल, क्योंकि ऊपर वाले को ही ले लेते हैं ना, कॉपी किया, नीचे लिखकर आते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका हम नेम दे देते हैं। याद रखिएगा, एक कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर, जो इसको आप तरीके से कह लें कि इसका नेम दे रहे हैं कि हम इसको बाद में कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। इसका एससी रख दिया, देन आप वापस आए, ऑल के बाद आपने ऑल को मिटा दिया, और यहाँ पे ST. देखिए आपके पास एक्सेस है। अब वो चीजें जो हमने शो करवानी है हम वो यहाँ पर करेंगे, कॉमा, हमने यहाँ पर करवाना है जेंडर, तो STD यहाँ पे लेते हैं, जेंडर हमारे पास कहाँ आ रहा है, आई नहीं रहा, जेंडर क्यों नहीं आ रहा भाई, दिखते हैं देखते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर वो मेरे नाम जेंडर है ना, मैंने खाली मैं STD चेक कर रहा था, तो ST. मेरे पास यहाँ पर जेंडर आ रहा है, ठीक है, कॉमा, देन इसके बाद ST. आपने इसके बाद क्या लेना है, एडमिशन डेट ले लीजिए, कोई और भी आप आगे पीछे जो मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ सिर्फ वो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा भैया, मैंने ज्वाइन लगाना है, ठीक है, मैं ज्वाइंस का अलग से कॉन्सेप्ट दे दूंगा, ठीक है, वो सारी प्लेलिस्ट में आ जाएगा, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। अभी जो है वो मैं खाली
बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम इनर ज्वाइन लगाएंगे ताकि जो है वो हम डाटा अपनी मदद से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में अलग सबका दे दूंगा कि इनर क्या करता है और लेफ्ट क्या करता है, फुल ज्वाइन क्या करता है, राइट ज्वाइन क्या करता है। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। देन हम यहाँ पर आके इनर ज्वाइन अप्लाई करते हैं। तो इनर ज्वाइन, अच्छा अब किस टेबल से लगाना है? एक ही टेबल हमारे पास है, एडमिन का टेबल है। तो एडमिन के अंदर एक उसका भी नाम दे देते हैं एडी। ठीक है, और किसके साथ मतलब कैसे लगाना है? आप एडी डॉट, अब आप एडी डॉट यहाँ पे कर लें, और किसके साथ आपने लगाना है वो अप्लाई कर दें यहाँ। ठीक है, तो ये आईडी से लगेगा, एडी डॉट एडी आईडी। और अब याद रखिएगा ये किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू एसटी डॉट, अब यहाँ पे क्या जो हमने फॉरेन की अप्लाई की थी उससे लगा दिया जाए। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट देखते हैं। कंट्रोल ही देखें हमने क्या क्या एक्सेस करवाना था, स्टूडेंट नेम, जेंडर और इसकी एडमिशन डेट, कि वो कौन सा था और कब अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है, ये हमने शो करवाना था। इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा हमने यहाँ पे जेंडर स्टूडेंट नेम करवा लिया, और अब हमने और क्या करवाना है अभी देखते हैं इसके ऊपर। अच्छा अभी काम करते हैं, ये भी कर देते हैं कि किस एडमिन ने उसको ऐड किया है वो भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये करना चाह रहे होंगे कि किस एडमिन ने उसको ऐड किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लाते हैं और इसके साथ में एडमिशन डेट के साथ क्या कर देंगे, एक और चीज ऐड कर देंगे कि एडमिन नेम जो हमारा है, ताकि क्या हो कि वो भी यहाँ पर, तो कॉमा लगाते हैं, एडमिन नेम कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एडमिन नेम भी इसका शो हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें किस किस ने ऐड किया था, अब्दुल्ला ने किया और अब्दुल वासिद ने किया, जो जो थे वो एडमिन यहाँ पर है। तो अब क्या होगा, ये एक्सेस होता रहेगा, हमें पता चलता रहेगा कि कौन से वाले एडमिन ने किसको ऐड किया है, तो एक आसानी हो जाएगी हमारे उसमें। और याद रखिएगा जितना डेटाबेस जो है वो आपका कह लें कि आप नॉर्मलाइज होगा और अच्छा बना हुआ होगा, उतनी आपकी एप्लीकेशन भी अच्छी बनी होगी। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम जब अभी मैं काम करवाता हूँ तो हमें जब थोड़ा ज़्यादा डेटा होगा तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। बस इसी को क्या करते हैं, यहाँ पर आके इसको चेंज करते हैं, इसको टू कर देते हैं। देन उसके बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, रहमान कर देते हैं, अब्दुल रहमान कर देते हैं इसको। देन आप इसका नाम कर दें खान कर दें इसको, फादर नेम आप कर दें फैजान खान कर देते हैं ताकि थोड़ा मीनिंगफुल हो जाए। यहाँ पर आए और इसको कर देते हैं हम सदर कराची, और हम इसको कर देते हैं अभी क्योंकि सिस्टम से कट नहीं कर रहे, तो इसी वजह से अब जो है वो इसको 24 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कंट्रोली एग्जीक्यूट हो गया। देन इसी को चेंज कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। अनस मलिक कर देते हैं, मलिक जब्बार नाम रख दिया। अब यहाँ पे करते हैं बोर्ड ऑफिस, देन इसको भी मेल, और यहाँ पे आपने सुपर के 25, इसको भी 5 कर दिया और सेम एंड, और इसका जो वो है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर ले जाकर इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब डाटा चेक करते हैं, आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो डाटा डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, हमने ज्वाइन इक्वेरी लगाई भी है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा वाला जो एडमिन है उसने किसको ऐड किया था, तो उम्मीद है यहाँ तक तो जो समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा वाले उसने जो है वो खास, जैसे अभी तो सारे मिक्स आ रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं वेयर दी क्लॉज लगाते हैं, और इससे क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक नेम सपोज कर लें कि अब्दुल बासित ने कितने ऐड किए हैं तो वो सामने आ जाए। तो क्या करते हैं, और आसान से काम है, सिंपल सा, बस यहाँ पर आते हैं आप, वेयर की क्लॉज लगाइए बराबर में वेयर, और क्या सर्च करना है, एडी डॉट एडमिशन नेम, सॉरी एडमिशन बोल रहा हूँ, एडमिन नेम आपका क्या है, बस आप वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस ख्याल रखिएगा कि एज इट इज सेम होना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, पेस्ट कर दिया, ऊपर जाते हैं इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिए जितने भी अब्दुल बासित ने ऐड करवाए थे वो सारे के सारे उस रिस्पेक्ट से डिस्प्ले हो गया है हमारे पास। अच्छा हम एक अलाइसिस भी इसमें लगा सकते हैं, मतलब जो एडमिशन नेम है, एडमिन नेम है वो ही यहाँ पर आए तो वो भी काम कर सकते हैं हम,
उसके लिए क्या करेंगे हम, या देखिएगा ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अलाइसिस वाला काम है, कि मैं यहाँ पर उसका एक स्पेसिफिक नेम दे दूँ कि एडमिन नेम, तो वो क्या होगा, वाजे हो जाएगा कि वो इसी नाम से ही पे डिस्प्ले होगा। ठीक है भाई, तो वो कैसे करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो देखिएगा ज़रा और की देखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडमिन नेम हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हम एलाइसिस। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अच्छा अब ये तो कर लिया, अभी तक क्या हुआ, हमारे दो रिलेशन बन गए, एक टेबल के अंदर हमारे रिलेशन बन गया, दोनों के प्रोसीजर बना लिए गए, डाटा इंसर्ट हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखिए अब एडमिन का टेबल बन गया, एडमिन का ताल्लुक किससे, स्टूडेंट से, और स्टूडेंट का ताल्लुक तो एडमिन से है, मगर स्टूडेंट एक और चीज़ भी करता है, वो क्या करता है, वो फीस पे करता है, अगर वो फीस ही पे नहीं करेगा तो उसको अलाव ही नहीं किया जाएगा कि वो सेंटर में आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फीस का टेबल बनाते हैं और फिर उन दोनों का रिलेशन बनाएंगे स्टूडेंट का उस फीस से, कि कब वो फीस पे कर रहा है और क्या फीस है, तो इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैं इसकी एक ईआरडी बनाऊंगा ताकि वो भी डिस्प्ले कर दूंगा, आखिर में हम शो कर देंगे उस चीज़ को, मैं दिखा दूंगा आपको ताकि एक कॉन्सेप्ट वो भी आ जाए आपको कि किस तरह से बनती है। क्रिएट आते हैं, चले इसको बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख देते हैं हम फीस। ठीक है भाई, और काम पहले जैसा होगा, अब उम्मीद है कि आपको जो है वो टेबल क्रिएट करना आ गया होगा, तो यहाँ पर आते हैं, इसका नाम रख देते हैं फी आईडी, और इसको हम रख देते हैं इंटीजर, ये भी हम आइडेंटिटी कर देंगे, और इसको हम कर देते हैं नॉट नल, और इसको प्राइमरी बना देते हैं, नॉट नल तो ये होता ही नहीं है। क्लियर है वाली बात? देन हमने क्या करा, उसकी हम कर देते हैं कि वो किस डेट को पे की जा रही है, तो हम कर देते हैं फी अंडरस्कोर डेट, याद रखिएगा स्पेस बार इसमें नहीं आता तो ये आपको एरर देगा, अगर मैं देखें आप स्पेस बार दूं तो ये एरर देगा मुझे। ठीक है, तो अंडरस्कोर रखिएगा, देन उसकी हम जो डेटा टाइप है उसको हम रख देते हैं, डेट को तो खैर एनवर में रख देंगे, ये वार चार कर देते हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती वो है। और इसके बाद हमने क्या करा, इसकी लिमिट दे दी, तो मैं 20 लिमिट दे देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कि ये नॉट नल अलाउ ना किया जाए। क्लियर है वाली बात? देन आगे चलते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कर देते हैं कि वो किस उसकी फी है क्या, ठीक है, उसका अमाउंट क्या है, या उसकी क्या वो है, फी है क्या, तो हम कर देते हैं फी अमाउंट। देन उसको हम कर देते हैं, क्योंकि वो हो सकता है वो डबल में भी हो या फ्लोट में हो या हो सकता है डेसिमल में हो, ठीक है, मतलब कि 25 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह से हो, 15,000 पॉइंट ऐसे कुछ हो, तो हम क्या करते हैं इसको फ्लोट में रख देते हैं। ठीक है, फ्लोट का मतलब क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट साथ में अलाउ किया जा रहा हो, और इसको भी हम नॉट नल ही कर देते हैं। क्लियर है वाली बात? देन आगे चलते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी फॉरेन की बनाते हैं। अब फॉरेन की किससे रिलेट किया जाएगा, स्टूडेंट की आईडी से, तो हम यहाँ पे काम करते हैं फी अंडर स्कोर एफ के फॉरेन की अंडर स्कोर हम रख देते हैं, इसको स्टूडेंट आईडी से रिलेट करवाना है, तो इंटीजर फॉरेन की रेफरेंसेस, याद होगी ये बात, REFERENCES, रेफरेंसेज, और किससे करवाना है, स्टूडेंट की टेबल से करवाना, तो स्टूडेंट के टेबल का नाम सिंपल सही है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उस एसटीडी एक दफा चेक कर लेते हैं इसको कि क्या है यहाँ पर, एसटीडी आईडी ही है या क्या है, हाँ तो एसटीडी आईडी ही है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं कि इसको एसटीडी आईडी कर दिया, और अब इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करवाते हैं, नीचे इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्रिएट हो गया, देन इसका हाथ क्या दिए प्रोसीजर बना लेते हैं, तो क्रिएट प्रॉक, अब ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी कि बात किस तरह से बनाते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इंसर्ट इनटू फी। ठीक है भाई, ऊपर गए, ऊपर वाले को कॉपी किया यहां तक, और नीचे लाके इसको पेस्ट कर दिया। देन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट हटा देंगे इसके, तो कंस्ट्रेंट हटाने के लिए याद होगा क्या बताया था मैंने, इसको हटा दीजिए, अब यहाँ तक रिमूव कर दें, इंटीजर कर दें खाली, नॉट नल हटा दीजिए यहाँ से नॉट नल हटा दीजिए। ठीक है भाई, देन आइए एट द रेट स्टार्ट में लगाइए, एट द रेट और एट द रेट, क्लियर है वाली बात? देन आप नीचे आइए, इसके बाद आपने क्या किया, एज बिगिन, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है, आप आइए यहाँ पर और आके इंसर्ट करवा लीजिए, तो बता चुका हूँ ये वाली बात किस तरह से इंसर्ट होती है। ठीक है, तो टेबल का नाम लेते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, फी आई गेस मैंने क्या नाम रखा था, फीस रखा, कॉपी करते हैं इसको, नीचे लाए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए।
ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यूज इंसर्ट कीजिए, मतलब डायरेक्टली ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। तो मैं कर देता हूँ पहले फी जो मेरे पास आ रही है आप, तो बस इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी किया, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब बाकी चीज़ें हटानी पड़ेंगी हमें यहाँ पर, कि यहाँ से हटाया और एट द रेट हटाया, यहाँ से ये सब हटा दिया, स्पेस बार दिया, कॉमा लगाया। ठीक है भाई, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है। अच्छा, मैं फॉरेन की देखना तो भूल ही गया, तो मैं तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉमा लगाया, यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। देन एट द रेट हटा दिया, यहाँ से नीचे गए, वैल्यूज लिखा, वैल्यूज के अंदर एज इट इज सेम को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट किया, और हर जगह पे क्या लगा देंगे हम, एट द रेट और लास्ट में दोबारा से एट द रेट। क्लियर है? देन आगे चलते हैं अब। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, तो ऊपर चलते हैं, इसको पूरा यहाँ से एग्जीक्यूट करवा लिया। देन आप नीचे आइए और इसके बाद हम यहाँ करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद किस में करवाना है, तो एग्जीक्यूट उस टेबल का नाम रखिए, जो हमारा प्रोसीजर है उसका नाम क्या है, उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करना ही बेहतर रहता है, गलती के चांस कम हो जाते हैं। आप यहाँ से आइए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देन उसके बाद पहला क्या आपके पास आ रहा है, आपने डेट रख दी, तो डेट मैं कर देता हूँ इसकी 22/04/2019। ठीक है भाई। देन कॉमा, उसकी अमाउंट क्या है, तो अमाउंट को हम दे देते हैं इसके अंदर, तो अमाउंट को क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं, तो हम 9,000 कर देते हैं इसको। और हमारे पास इसके अलावा और क्या हो जाएगा, तो आईडी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टूडेंट नंबर है आपके पास, तो मैं इसको दे देता हूँ, सपोज कर लीजिए 2। इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गई है। देन एक काम करते हैं, इसको एक और बार कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, इसको हम कर देते हैं 3, इसको हम कर देते हैं फीस सेम रहने देते हैं, इसको कर दिया 23, इसको कर दिया 24, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम 4। ये देख लेते हैं कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता भी है, क्योंकि वरना फिर एरर देगा। अरे इसको एग्जीक्यूट देख लेते हैं, हो गया। ठीक है भाई, तो ये वाली बात क्लियर है। अब चेक करते हैं आगे इसको, तो हम सेलेक्ट कॉल फ्रॉम फी, ये अभी इसको गेट नहीं कर रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसने डाटा को इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल जाएगा, कौन से वाले स्टूडेंट ने फीस पे नहीं किए, तो जो डिफॉल्टर होंगे वो हम उसको गेट कर सकते हैं बआसानी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इनर ज्वाइन लगाते हैं, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फी, फीस और एफ कर दिया इसको, और इसको यहाँ से हटाया ऑल और एफ डॉट। हम सबसे पहले क्या गेट करवाते हैं इसकी, ये गेट नहीं कर रहा है इसको, चलो मैं खुद लिख दे रहा हूँ अमाउंट। देन उसके बाद ये इसको, इसकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है अभी इस टाइम पे ना, एफ डॉट, खैर मसला नहीं है, हम खुद लिख लेंगे। इसके बाद हम दे देते हैं इसकी फी डेट जो हमने इसको यहाँ से ली थी, तो बस मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे फी डेट आ रही है, तो मैं फी एफ डॉट, सॉरी कहाँ से लगे मैं, फी और साथ में हम इसको कर देते हैं डेट। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, और किससे इसका रिडेशन करवाना है, हमने करवाना है इसको स्टूडेंट से, तो इनर ज्वाइन लगाया, और किससे करवाएंगे, स्टूडेंट से करवाएंगे। ठीक है, वो अभी टेबल क्रिएट करा है, इस वजह से वो गेट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। और हम इसको दे देते हैं एस, और साथ साथ हम क्या करते हैं, या बल्कि पहले वाला दे देंगे एसटीडी, एसटी कर देते हैं उसको भी। और इसके अलावा किससे रिलेशन करवाना है इसका, ऑन, देन उसके बाद हम क्या कर देंगे एस डॉट, इसकी क्या है, एसटीडी आईडी, तो जो हमारे पास यहाँ पे इसकी आईडी थी वो हम दे देते हैं। मैं ऊपर से चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे वो एक्सेस नहीं कर रहा उस चीज़ को, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं। खैर, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से उस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली गेट कर लूँगा, तो मेरे पास एसटीडी आईडी है, मैं उसमें यहाँ पे कर देता हूँ एस डॉट एसटीडी आईडी। ठीक है भाई,
देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप दे दीजिए इसको अलग से कि ये किसके बराबर है। याद है हमने लास्ट टाइम वाली बात की थी, तो इज इक्वल टू एफ डॉट, अभी ये दोबारा गेट नहीं कर रहा तो हम इसको खुद दे देते हैं कि ये है क्या। तो मेरे पास ये है ऊपर, ठीक है, तो ये पेस्ट कर दिया ऊपर से, मैं कॉपी करके ले आया था, कंट्रोल ही किया। अच्छा तो प्रॉब्लम कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एफ भी तो नहीं लिखा, ताकि वो गेट कैसे करेगा उस चीज़ को, मैंने वो दिया ही नहीं था जब ही, तो वो सजेस्ट भी नहीं कर रहा, वो मैंने गौर भी नहीं करा। खैर चलें, समझ में आ गई वाली बात, यहाँ पे मैंने दिया नहीं था एफ, इसी वजह से वो एरर दे रहा था। खैर अब रंग करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे पता चल गया कि कौन कौन सी फीस अभी तक आ चुकी है, ठीक है। डाटा तो इंसर्ट हो गया और हमें पता चल गया, हमने ज्वाइन लगा के चेक भी कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं कि मतलब स्टूडेंट का नेम भी तो साथ में आ जाए कि कौन से वाले स्टूडेंट ने फीस पे करी है। तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा है, यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं, यहाँ पर जो हमने नाम दिया है तो हम उसको यहाँ पर एक्सेस करवा लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे, st. सॉरी कॉमा लगाया नहीं, st. क्या नेम क्या गेट करवाना है, एसटीडी नेम, स्टूडेंट का नेम गेट करवाना था। तो ऊपर आए कंट्रोल ही किया तो ये आपको एग्जीक्यूट करवा कर दे देगा। तो हमें पता चल गया कि कौन से वाले स्टूडेंट ने फीस पे कर दी है और किसने अभी तक पे नहीं करी। तो हम वो काम कर लेंगे कि डिफॉल्टर फीस जो है वो इस तरह से पता चल जाएगा कि किसने फीस पे करी है और किसने अभी तक फी पे नहीं करी है। खैर ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए, बिकॉज सिंपल सा भी हमने डेटाबेस डिजाइन किया है। और मैं आपको इसको चल के दिखा देता हूँ कि प्रोसीजर कैसे कहाँ शो होते हैं और डेटाबेस कहाँ कहाँ टेबल किस तरह से क्रिएट हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो दोबारा पहले बता चुका हूँ लेकिन आप प्रोसीजर्स को बता देता हूँ। सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लें ताकि जो नया काम है वो भी इंसर्ट हो चुका हो। देन आते हैं, पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम मेरे पास यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस डायग्राम करी, रिफ्रेश किया, ऐड ऐड ऐड, तीनों को ऐड कर दिया। और इसका रिलेशन देखते हैं कि क्या तीनों आपस में कनेक्टेड हैं वाले, तो देखिए बिल्कुल ये आपस में तीनों कनेक्टेड हैं, ठीक है भाई। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये खराब हो गया, ठीक है। देन तो यहाँ तक बात क्लियर है कि ये देखें आपस में तीनों का रिलेशन हो चुका है कि फी जो है वो एडमिन से कनेक्ट स्टूडेंट से कनेक्टेड है और स्टूडेंट जो है वो एडमिन से कनेक्टेड है। तो आपस में तीनों जो है वो रिलेशनल बन चुके हैं, इनका आपस में तीनों का रिलेशन बन चुका है। देन आता हूँ मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ, देखें टेबल्स मेरे पास तीनों अवेलेबल हैं। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आपको प्रोसीजर्स मिलेंगे, देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है, आप उसमें क्लिक कीजिए तो आपको तीनों प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक हमने जो है वो अपना डेटाबेस डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट के अंदर हम दूसरी तरफ चलेंगे, विजुअल स्टूडियो के अंदर अपना एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह।